ठीक है, चाय और चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ जॉय ज्योति। हर रोज खास मोमेंट्स लेके आते हैं हम, पुरानी यादें ताजा करते हैं, और आज भी एक खास मोमेंट्स लेके आए हैं। और आज बात करेंगे सौरभ गांगुली को लेकर। हम सभी जानते हैं कि 20 जून सौरभ गांगुली का डेब्यू हुआ था, लेकिन आज 22 जून है और आज ही के दिन सौरभ गांगुली ने पहला शतक ठोका था लॉर्ड्स में, और नॉन स्ट्राइकिंग एंड में थे वहां पर राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ का भी डेब्यू हुआ था इसी लॉट में, 95 रन किए थे राहुल द्रविड़। और क्या स्टोरीज है, क्या बैक स्टोरीज है सौरभ गांगुली की इस शतक के पीछे, डिस्कस करेंगे। पहले स्वागत करते हैं सुप्रिया जी को। सुप्रिया सक्सेना, वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लैशेस। सर थैंक यू जॉय। और हम लगातार 3 दिन का एक अपना इतिहास है जून का, और 20 जून, 21 जून, 22 जून, हालांकि 21 जून को हम जानते हैं गर्मियों के सबसे लंबे दिन के नाम पे, लेकिन मुझे लगता है कि आज हम जानेंगे कि सौरभ गांगुली ने कितना लंबा काम किया था उस वक्त, उस नाम से भी जाना जाना चाहिए। 21 जून, 20 जून, ये जो दिन है ये रिमार्केबल। बिल्कुल, सौरभ गांगुली का पहला शतक के पीछे जो स्टोरी से थोड़ा यहाँ पर उसका जिक्र करना चाहूंगा। यहाँ पर सौरभ गांगुली का जो सिलेक्शन हुआ था इंग्लैंड टूर के लिए, कंट्रोवर्शियल सिलेक्शन हुआ था यहाँ पर सौरभ गांगुली का, क्योंकि कोई कोई क्रिकेटर्स जब तब कोच थे संदीप पाटिल, वो मानते थे कि सौरभ गांगुली शायद ये जो जगह है वो डिजर्व नहीं करती है प्लेस। और सौरभ ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 170 के ऊपर रन किए थे, और उसी के बदौलत शंबरन बैनर्जी तब ईस्ट जोन के सिलेक्टर थे, शंबरन बैनर्जी ने जोर सवाल किया सौरभ गांगुली को लेकर, और सौरभ गांगुली का चयन हो गया इंग्लैंड टूर के लिए। इससे पहले 91-92 में ओडीआई डेब्यू हुआ था सौरभ गांगुली का, वेस्ट इंडीज के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया टूर था वो, लेकिन सौरभ ने कुछ खास किए नहीं। तो ये टूर बहुत ही वाइटल था सौरभ के लिए, क्योंकि सौरभ गांगुली को पता था अगर इस टूर में वो फेल करते तो फिर शायद कभी भी इंडिया के लिए नहीं खेल पाएंगे, तो इतना इम्पोर्टेंट था ये टूर। सौरभ ने इंग्लैंड गए, और इंग्लैंड में जाके वो जो कंडीशन इंग्लैंड का होता है, फर्स्ट समर में मैच हो रहा था और उस टाइम में इंग्लैंड में हवा चल रही थी कोल्ड, वो जो कोल्ड हवा ब्रिजी कंडीशन इंग्लैंड में देखने को मिल रहा था, और ग्रीन टॉप था उस टाइम, डैरन गॉफ, मुलाली, क्रिस लुइस, ये बॉलर्स थे इंग्लैंड के, तो इतना आसान नहीं था सौरभ के लिए कि यहाँ पर सक्सेसफुल हो। तो सौरभ ने क्या किया, यहाँ पर डेसमंड हेल्स बोल के क्या क्रिकेटर था वेस्ट इंडीज के, लेजेंडरी क्रिकेटर, वो तब ससेक्स के कोच थे, एक प्रैक्टिस मैच खेलने गए सौरभ गांगुली होग में, तो ससेक्स के कोच डेसमंड हेन्स के पास गया। डेसमंड हेन्स, सॉरी टू इंटरप्ट जॉय, लेकिन डेसमंड हेन्स वही है ना जिनका 1983 में विकेट लिया था मदनलाल ने? बिल्कुल वही डेसमंड हेन्स है, और लेजेंडरी वेस्ट इंडीज बैटर है। तो डेसमंड हेन्स को आइडल मानते थे सौरभ गांगुली, डेविड गवार को भी आइडल मानते थे, तो डेसमंड हेन्स के साथ बातचीत करने की एक कोशिश कर रहे थे वहां पर सौरभ, और सौरभ ने गए डेसमंड हेन्स के पास। डेसमंड हेन्स ने हेन्स से पूछा कि मैं सौरभ गांगुली हूँ और मेरा यहाँ पर डेब्यू हो सकता है इंग्लैंड के खिलाफ, तब भी डेब्यू हुआ नहीं था सौरभ का, तो क्या कर सकते हैं हम, आप थोड़ा टिप्स दीजिए। डेसमंड हेन्स ने कहा कि सौरभ मैं जितने दिन क्रिकेट खेला, मैं जितने साल क्रिकेट खेला, एक जो बात मैं कहना चाहूंगा कि पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से खेलना चाहिए। सोचिए कि मैं कल रिचर्ड हेडली को खेलूंगा, या स्नो को खेलूंगा, या जेफ थॉम्सन को खेलूंगा, तो मैं सोचता था कि मैं उसको मार रहा हूँ थ्रू द कवर, थ्रू मिड विकेट, ये अपने आप सोचता हूँ, सोचता रहा मैं कि अगले दिन मैं ऐसे ही कुछ शॉट खेलूंगा इसके इनके खिलाफ, और वही मैं करता था मैच के दिन, वही स्टाइल में अपना था, अक्सर यही होता था कि मैं सक्सेसफुल होता था उसके खिलाफ जब मैं सोचता था पॉजिटिवली। लेकिन जब मैं सोचता था कि मैं सफल नहीं होऊंगा, कल मुझे थॉमसन आउट कर देगा, कल मुझे हेडली जल्दी आउट कर देगा, तो वही होता था मैच के दिन भी। तो मैं यही कहना चाहूंगा सौरभ कि पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से उतरो, और
पॉजिटिविटी, सर पॉजिटिवली सोचो, नेगेटिविटी कुछ नहीं यहाँ पर दिलाएगा आपको, नेगेटिविटी से कुछ फायदा नहीं होगा, और पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से अगर आप खेलोगे तो जरूर यहाँ पर सक्सेसफुल रहोगे। तो सौरभ को बहुत ही प्रभावित हुआ था जसमोन हेन्स की ये इन बातों से। उसके बाद वॉर्सेस्टर के लिए काम करता था उस टाइम में एक साइकोलॉजिस्ट थे मार्क क्रेग, मार्क क्रेग के पास भी सौरभ ने गया और सौरभ ने कहा कि मैं सौरभ हूँ और मेरा डेब्यू हो सकता है इंडिया के लिए, तो आप थोड़ा टिप्स दीजिए क्या कर सकता हूँ मैं, कैसे मैं यहाँ पर सक्सेसफुल होऊंगा यहाँ पर इंग्लैंड के खिलाफ। तो मार्क क्रेग ने कहा सौरभ इंटरनेशनल क्रिकेट में फर्स्ट बॉल से लास्ट बॉल तक जितने दिन तुम खेलोगे प्रेशर रहेगा, चैलेंज रहेगा वहां पर रहा। तो आपको एक्सटेंड होना है, आपको वो एज अपॉर्चुनिटी देखना है, आपको उसको मौका देखना है और उसको भुनाना है। तो आप सोचिए कि ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है बाकी को नहीं मिल रहा है, तो आप वो अपॉर्चुनिटी को इनकैश करो और सोच लो कि आपको 20 गेंदे खेलने को मिल रहा है, 100 बॉल शायद आप नहीं खेलोगे, 200 बॉल शायद नहीं खेलोगे, 20 बॉल खेलोगे और उस 20 गेंद में आप इंपैक्ट डालो। बाकी जितने भी क्रिकेट प्रशंसक है, सिलेक्टर्स है, बाकी जितने भी आपका रूममेट्स है, क्रिकेटर्स है, उसको दिखाओ कि तुम खेल सकते हो। 20 गेंद में आप ऐसे शॉट्स लगाओ कि उनको पता चलना चाहिए कि सौरभ गांगुली अच्छा क्रिकेटर है। सौरभ ने इसके बाद ओल्ड ट्रैफोर्ड में एक ODI मैच खेला और ODI मैच में 46 रन किए, ज्यादा बड़ा इनिंग्स नहीं, छोटा इनिंग्स, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिंग्स सौरभ गांगुली के लिए, जिन्होंने बोल रहे थे कि सौरभ कर नहीं सकते यहाँ पर, ये डिजर्व नहीं करते सौरभ, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका जो नजरअंदाज बदलने लगा और सौरभ गांगुली को रेस्पेक्ट करने लगे वहां पर। अब आता हूँ लॉर्ड्स टेस्ट के बारे में। लॉर्ड्स टेस्ट में वहां पर हॉलीडे इन में इंडियन टीम रुके थे, हॉलीडे इन के बिल्कुल बाजू में ही लॉर्ड्स ग्राउंड है। सौरभ ने आए और मैच के पहले सौरभ आए 19 तारीख को और संदीप पाटिल सैंडी भाई ने आके सौरभ को बताया कि सौरभ तुम खेल रहे हो कल नंबर 3 पे बैटिंग कर रहे हो, और इसी दौरान नवजोत सिंह सिद्धू के साथ मोहम्मद अजहरुद्दीन, तब कप्तान थे मोहम्मद अजहरुद्दीन, उसके साथ कुछ नोकझोंक हुई या क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, बट इट वाज अ सडन डिपार्चर ऑफ सीनियर बैट्समैन नवजोत सिंह सिद्धू, उसी के बाद इनको सौरभ को टेस्ट डेब्यू दे दिया गया था सेकंड मैच लॉर्ड्स में। सिद्धू लौट आए थे इंडिया, ऐसा कुछ हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ अजहर के साथ कि सिद्धू को बुरा लगा और इंडिया में इंडिया चले आए थे वो, और वो मिसअंडरस्टैंडिंग आज तक है। वो तो है नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं है, सिद्धू अभी तो ठीक ठाक है, क्रिकेटिंग जो मिसअंडरस्टैंडिंग वो हट गया अभी फिलहाल, तो उसी वजह से सौरभ को मौका मिल गया यहाँ पर, और सौरभ यही चाहता कि ये मौका जो मुझे मिला उसको भुनाना तो है ही। और संदीप पाटिल ने आके कहा कि सौरभ तुम कल खेल रहे हो नंबर 3 पे बैटिंग करोगे, तो फॉर्चुनेट है गांगुली कि सौरभ यहाँ पर चाहते थे कि पहले दिन वो बैटिंग ना करे। इंडिया ने टॉस जीतकर फील्डिंग ली यहाँ पर और डीकीपर अंपायर डीकीपर लेजेंडरी अंपायर डीकीपर का लास्ट टेस्ट मैच था ये, और सौरभ उस टाइम बॉलिंग भी किया, 2 विकेट चटकाए भी है मेडन टेस्ट में, उसी मैच में शायद 344 रन बनाए थे इंग्लैंड में, बिल्कुल इंग्लैंड 344 बनाए थे, जैक रसल ने सेंचुरी ठोका 124 जैक रसल ने बनाए थे बिल्कुल, और वहां पर ग्रहम थॉप में भी एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दिखाया वहां पर उस मैच में। और उसके बाद फर्स्ट डे सेकंड डे के अंत में सौरभ ने बैटिंग करने आए और 26 नॉट आउट रहे, जब तक स्टंप्स सेकंड डे का स्टंप्स हुआ सौरभ गांगुली 26 नॉट आउट, और सौरभ एक अलग ही जोन में चले गए। थर्ड डे मैच शुरू हुई, सौरभ खेलने लगे, बहुत ही शानदार शॉट लगाए, स्क्वायर कट, कवर ड्राइव, ऑफ ड्राइव, ऑन साइड में झुक के पुल किया, तो जो मार्क क्रेग ने कहा सौरभ तुम जितने गेंद खेलोगे एक इम्पैक्ट डालो, वो इम्पैक्ट सौरभ ने डाला उस मैच में। और उसके बाद लंच हुई, थर्ड डे की बात मैं बोल रहा हूँ, थर्ड डे में लंच हुई, सौरभ गांगुली 65 नॉट आउट। सौरभ आए लंदन के जो लॉन्ग रूम जहां पर लंच होता है, सारे क्रिकेटर्स लंच करते, सौरभ गांगुली ने उस दिन लंच नहीं लिया,
एक 12th मैन आके इंडियन टीम के क्रिकेटर आके सौरभ को बताया कि आप कुछ लोग यहाँ पर कुछ ले आओ मैं। सौरभ ने कहा नहीं, सौरभ बस पूरी तरह से एक जोन में उस टाइम था और वो एंजॉय कर रहा था, वो जो पल वो एंजॉय कर रहा था। लंच के बाद मैच शुरू हुई, हर एक गेंद वो एंजॉय कर रहा था। और इसी दौरान इंग्लैंड के विकेट कीपर एलेक्स स्टुअर्ट स्लेजिंग किया सौरभ को। तो इंग्लैंड स्लेजिंग थोड़ा इंटेलेक्चुअल स्लेजिंग होता है, इंग्लिश सोफिस्टिकेशन उसमें हम देखते हैं कि जब इंग्लैंड के क्रिकेटर स्लेजिंग करते हैं। एलेक्स स्टुअर्ट ने कहा कि सौरभ को देखते तुम और एक टेस्ट खेल पाते हो या नहीं, तुम डिजर्व करते हो और एक टेस्ट खेलने की और या नहीं। तो सौरभ ने कुछ आंसर तो नहीं दिया, मुस्कुराया और हर एक गेंद को वो एंजॉय करने लगा। तो ये अच्छी बात है कि जब आप एंजॉय करोगे तब आपका जो मेन टैलेंट जो है वो निकल के आएगा, और वही हुआ सौरभ के साथ। एंड इन फैक्ट पता है जॉय, कमेंटेटर्स वर आल्सो यू नो इन द ओ ऑफ गांगुलीज मैजिकल बैटिंग। इन फैक्ट जो फॉर्मर इंग्लैंड कैप्टन जॉफ्रे बॉयकॉट थे, उन्होंने कहा, उनको नाम भी दे दिया था, एक प्रिंस ऑफ कोलकाता बोला था उनको। या जबकि इंडियन लेजेंड अपने सुनील गावस्कर जो है, उन्होंने उसको हेल किया था फॉर द ग्रैंड कमबैक इन द इंटरनेशनल क्रिकेट। बिल्कुल, और इसी के साथ उन्होंने शतक ठोका। और यहाँ पर एक बात भी है, सचिन के साथ सचिन ने किस तरह से अप्रिशिएट किया सौरभ को, ये बताना चाहूंगा। कुछ नहीं बताया सचिन ने, क्लैपिंग किया थोड़ा। सचिन ने एक चीज किया, सचिन ने सौरभ का बैट का जो हैंडल है वो लिया और उस हैंडल में टेप लगाया, वो थोड़ा लूज हो गया था और टेप लगा। ये जेस्चर है सचिन तेंदुलकर, उस टाइम फाइनेस्ट बैट्समैन थे वर्ल्ड क्रिकेट के सचिन तेंदुलकर। सौरभ गांगुली जो नया क्रिकेटर है, डेब्यू कर रहे हैं, उसका बैट लेके उसके हैंडल में टेप लगा रहे हैं। तो ये स्टाइल ऑफ एप्रिसिएशन सचिन रमेश तेंदुलकर, उन्होंने हिंट दिया वेलकम टू द क्लब ऑफ बिग बॉयज। तो सौरभ गांगुली का आगाज कुछ इस तरह हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट में। और उसके बाद मोहम्मद अजहरुद्दीन ने अपना जो घड़ी था वो घड़ी खुल के दे दिया सौरभ को, कि यही अजहर ने कहा था कि शायद सौरभ ये जगह डिजर्व नहीं करते है। वही अजहर ने जो वॉच है वो वॉच खुल के सौरभ को गिफ्ट किया कि बहुत बढ़िया खेला तुमने और इस तरह परफॉर्मेंस देते रहो। और उसके बाद ट्रेंड ब्रिज में भी उसका जो फॉर्म वो बरकरार रहा और वहां पर भी शतक ठोके सौरभ गांगुली। तो ये बैक स्टोरीज है गांगुली का जो ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू अचीव द फीट एट द होम ऑफ क्रिकेट, जिसे हम लॉर्ड्स कहते हैं। ही वाज द वेरी फर्स्ट इंडियन टू अचीव, और 131 रन जिसमें 20 बाउंड्री मार रहा है बंदा, एंड दैट मेड बैटिंग लुक एज स्मूथ एंड इजी एज एवर। ऐसा लग रहा था बस क्या आराम से स्वीप जा रहा है, आराम से बाउंड्रीज पड़ रही है, ऐसा लग रहा था कोई मुश्किल हो ही नहीं रही है, पर खेलने वाले को अंदाजा हो सकता है इस मुश्किल का। एंड हिज नॉक हेल्प इंडिया स्कोर 429 रन्स, टेक अ फर्स्ट इनिंग्स लीड। सो ये काफी बड़ा अचीवमेंट था सौरभ गांगुली के स्तर पे। बिल्कुल, और इतना देखिए जब वो खेलते थे बहुत आसान लगता था कि बहुत आसानी से खेल रहे, लेकिन इतना आसान नहीं था। वहां पर जो मैं कहा कि फर्स्ट समर इंग्लैंड में हवा चल रहा था और गेंद स्विंग हो रहा था, डोमिनिक और क्रिस लुइस से एलान मुलाली जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे थे बहुत ही मुश्किल हो रहा था खेलना, लेकिन जिस तरह से खेल रहे थे गांगुली, जिस तरह से फीट मूवमेंट दिखा रहे थे, जिस तरह से स्क्वायर कट, जिस तरह से ऑफ ड्राइव खेल रहे थे, राहुल द्रविड नॉन स्ट्राइकिंग एंड से देख रहे थे। और मैच के बाद बोला कि ऑफसाइड में पहले गॉड, उसके बाद सौरभ गांगुली, गॉड ऑफ ऑफसाइड सौरभ गांगुली, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग का मुजाहरा किया सौरभ। और इसी तरह टेस्ट क्रिकेट में आगाज हुई सौरभ गांगुली का, और उसके बाद भी ट्रेंड ब्रिज में शतक ठोके और सौरभ को पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ा यहाँ पर, और जिस तरह से खेले छा गए, उसके बाद कप्तानी भी संभाले। तो एक एरा, गांगुली एरा का शुरुआत इसी स्टाइल से हुई। आज जो 22 जून है 1996 से 22 जून को सौरभ गांगुली ने शतक ठोका था, बहुत बड़ा दिन है गांगुलियंस के लिए, इंडियन क्रिकेट के लिए भी। और जाते जाते सुप्रिया जी से यही क्वेश्चन करना चाहूंगा कि सौरभ गांगुली को आप जब देखते थे खेलते हुए तो आपका क्या एहसास होता था, क्या लगता था कि सौरभ, आप सौरभ के फैन थे?
सी मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, सौरभ गांगुली की मैं बहुत बड़ी फैन नहीं रही हूँ, बिकॉज मे बी उस वक्त मैं बहुत ज्यादा क्रिकेट परस्यू नहीं करती थी. क्रिकेट मैं केवल सचिन के नाम पे ही देखती थी और मैं क्रिकेट को सचिन के नाम से ही जानती थी. मुझे आज तक वो गाना याद है, आला रे आला सचिन, जो एक पूरा जी पहली बार इंडियन हिस्ट्री में सचिन एक ऐसा इंडियन क्रिकेटर है जिसके पर गाना बनाया गया था, आला रे आला सचिन. आपको अगर याद हो दूरदर्शन पे वो एड आता था. एंड ये टॉकिंग अबाउट सौरभ गांगुली, आई वुड ओनली से दैट ही वुड गो ऑन टू बिकम इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन बिफोर बीइंग ओवरटेकन बाय एमएस धोनी. मतलब मोर देन टू डिकेड्स टू दिस डे गांगुली अब रिटायर हो चुके हैं, स्टिल ही कंटिन्यूज टू बी द स्टॉलवर्ट ऑफ इंडियन क्रिकेट. सो ही इज नाउ अ क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर, हाईली अप्रिशिएटेड क्रिकेट कमेंटेटर आल्सो. सो गांगुली का अपना एक एरा है, नो डाउट. एब्सोल्युटली. और गांगुली के बारे में चर्चा कर रहे थे, एक चीज बताना भूल गया, वो बताना भी जरूरी है यहाँ पर. लॉर्ड्स टेस्ट के पहले एक प्रैक्टिस मैच हुआ था, तो वो प्रैक्टिस मैच में इंडिया बुरी तरह से हारा डार्बीशायर के खिलाफ. डार्बीशायर ने शिकस्त दी यहाँ पर टीम इंडिया को. इस्बस्टन टेस्ट के बाद ही ये प्रैक्टिस मैच खेला गया था. इस्बस्टन टेस्ट में सौरभ ने खेला नहीं खेला था, वहां पर सचिन ने बहुत बढ़िया शतक ठोके, लेकिन फिर भी इंग्लैंड से हार गए थे टीम इंडिया. तो डार्बीशायर के एक बॉलर डेवन मैल्कम नाम के एक बॉलर थे उस टाइम, बेहतरीन गेंदबाजी की. इंडियन टीम 3 दिन के अंदर हार गए थे, लेकिन सौरभ ने हाई स्कोरर रहे उस मैच में. और इसी के साथ लगभग तय हो गया था सौरभ खेल रहे लॉर्ड्स टेस्ट. और सौरभ लॉर्ड्स में सिर्फ खेले ही नहीं, लॉर्ड्स के जो वो ऑनर्स रूम है, ऑनर्स रूम में सौरभ गांगुली का जो नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया उस दिन, तो लॉर्ड्स के लॉर्ड बन गए थे सौरभ गांगुली. बिल्कुल. तो आज और साल के बड़े दिन को उन्होंने इतना और बड़ा बना दिया अपने इस बड़े काम से. सो इट इज लाइक हैट्स ऑफ टू सौरभ गांगुली. एब्सोल्युटली. और दादा के बारे में चर्चा कर रहे थे आज. आप अगर थोड़ा इमोशंस हो रहे जो सुन रहे हैं हमारे ये डिस्कशन जो कन्वर्सेशन में सुन रहे हैं, तो आपका अगर कोई सवाल है इस मैच को लेकर, सौरभ गांगुली को लेकर, आप जरूर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और हम जरूर आंसर देंगे. फिलहाल इतना ही. थैंक यू सो मच सुक्रिया जी फॉर बीइंग जॉइनिंग विद अस. कीप वाचिंग स्पोर्ट्स फ्लैशेस, इंडिया फर्स्ट एवर स्पोर्ट्स वीडियो चैनल. And I feel joy, the thunderstorm noises behind you, the background noises are actually, you know, giving the symbol of this big task done by the one of the most successful test captains, Sourav Ganguly. Absolutely.